नमस्कार, लाइव तस्वीरें आप पालमपुर के बत्रा ग्राउंड से देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि खचाखच पूरे जनता से भरा हुआ है ये ग्राउंड और त्रिलोक कपूर को समर्थन देने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। आज त्रिलोक कपूर नामांकन भरेंगे। इस तरह की भीड़ पालमपुर में एक प्रत्याशी के लिए अपने आप में एक बहुत गजब की बात है। लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। त्रिलोक कपूर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी ने इन पर विश्वास जताया, मिशन रिपीट में अपनी भूमिका निभाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? वृंदावन से आया हूँ जी। आप लोग त्रिलोक कपूर का समर्थन करने यहाँ पर पहुँचे हैं, त्रिलोक कपूर आशीष पटेल से ज्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि उन्होंने 32 साल अपनी पार्टी की सेवा दी है, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं पिछले 2-3 सालों से वो पालमपुर में सक्रिय हैं, उनको अच्छे काम किए हैं, इसलिए वो भारी मतों से इस बार विजयी होने वाले हैं। आशीष पटेल के 5 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? कार्यकाल देखिए जी, कार्यकाल तो ठीक है, पर हम अपने त्रिलोकपुर जी को, भाई जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि इस बार हम रिवाज बदलना चाहते हैं। हमें त्रिलोकपुर चाहिए जिसको कि हम भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे, और ये हमारा वादा है। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आए? मैं पाड़ा से आया। पाड़ा से आए त्रिलोकपुर का समर्थन करने पर यहाँ पर आए, क्या लग रहा है आशीष पटेल को हरा पाएंगे त्रिलोकपुर? बिल्कुल हराएंगे। हराएंगे? चलिए, और भी दर्शक सर, आशीष पटेल के 5 साल के कार्यकाल में आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है? नहीं। तो त्रिलोक कपूर आपको क्यों पसंद है? अच्छे हैं वो, काम अच्छा काम करेंगे। चलिए, और भी बहुत से यहाँ पर और भी लोग इनके बीच इनके पास पहुँचने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है कुमार शानु गोस्वामी। त्रिलोक कपूर की अगर मैं बात करूं, बीइंग ए यूथ और बीइंग ए अपने एरिया में डेवलपमेंट के, कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का बंदा हूं, फिर मैंने यहां के देखा जो 2 साल में डेवलपमेंट हुई, कोई एमएलए नहीं था, एमपी नहीं था, लोगों की सुनी मैंने, आसपास डेवलपमेंट देखी। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, हमारे एरिया में लगभग बात की जाए रोड बना था 2005 के करीब, 2022 में वहाँ सड़क बस लग रही है। कितने साल त्रिलोक कपूर ने, ऑनेस्टली जो मैंने देखा, एक हेल्थ सेंटर के लिए लोगों को 3 किलोमीटर जाना पड़ता था और एक तरफ वालों को पालमपुर आना पड़ता था। एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, हेल्थ सेंटर आ रहा है, रोड हमने देखे, रोड वाइड किसी ने काम नहीं किया, उस पर काम लगा हुआ है, 2 बसें हमें लगी, घर का लाइट लगी, तो और क्या चाहती है जनता? इसलिए आपका मन बदल गया कि आप त्रिलोक कपूर को जीता? हाँ, मैं बीइंग वर्किंग इन आईटी सेक्टर, जब एक नेता की बात करते हैं तो त्रिलोक कपूर की ऐसी क्या क्वालिटीज है जो आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट है? वर्किंग स्टाइल मैं बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली वर्किंग स्टाइल। मैंने इनको काम करते हुए एक बार देखा था, शाम को घर जाते टाइम एक फाइल पढ़ के जानी है, तो वर्किंग स्टाइल नथिंग है। मैं आज स्पेशल छुट्टी लेके आया हूँ। चलिए, देखिए, स्पेशली छुट्टी करके आए हैं ये, और लाइव आप देखिए कि त्रिलोक कपूर इस वक्त संबोधित भी जनता को कर रहे हैं। और कोशिश हम यहाँ पर। सर, कहाँ से आए हैं? नगरी जी। अच्छा जी, त्रिलोक कपूर का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर आए हैं, तो क्यों पसंद कर रहे हैं? त्रिलोकपुर का समर्थन कर रहे हैं। क्यों पसंद है ये? हमें पसंद है कि इसने काम अच्छा किया है, हमें इस करके अब जात पात से नहीं लेना देना, हमें इसका काम जो वो पसंद है। एक तो हमारे को, आप लोगों के लिए क्या क्या काम किए? हमारे को एक तो ब्लॉक मिला कानपुर में, आज तक नहीं मिला, एक तहसील मिली हमारे को नगरी में, वो भी हमें अच्छा था, हमें मतलब आना पड़ता ही है। हम जताएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, जताएंगे। आशीष पटेल के बारे में क्या कहें? आशीष पटेल के बारे में उसका एक ही मकसद है, देखो ना, एक परिवार में मेरा ही लड़का जो है
लड़का दादा पड़दादा आगे पीछे बोल चलता रहे तो हम तो बाहर को नहीं मारते। बच्चा आप भी लायक है और भी वो भी लायक है और भी लायक हो सकते हैं। ये थोड़ी है कि पिता पुरखी से आगे तक चलते रहो। मैं कल कांग्रेस लिया था पहले, लेकिन जब ठंड मारने को बोला कि आप छोड़ दो और दो, इन्होंने नहीं मानी बात। तो बात यह है इस करके हम उनसे बरखला किसी और को मौका भी दो, एक ही परिवार का थोड़ी है सब कुछ। तो लाइव आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं घुमा के दिखाएंगे। ये इस तरह की भीड़ जो पालमपुर में आज जुटी है, ये भीड़ कह रही है, चीख चीख के कह रही है कि इनको त्रिलोक कपूर चाहिए, अपने नेता विधायक जो है वो त्रिलोक कपूर को इन्होंने बनाना है। ये लोग अपना समर्थन यहाँ पर इन्हें दे रहे हैं। आगे एक और प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए? खंडवाड़ी से। खंडवाड़ी से आए हैं त्रिलोक कपूर से और उनकी विचारधारा से, उनके काम से कैसे प्रभावित हुए? एक्चुअली हम तो पहले से ही बीजेपी के हैं, लेकिन कपूर साहब के काम से हम ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि पालमपुर में बहुत सारी चीज़ों का आवाज़ था जो इनके आने से पूरा हुआ है। जैसे अभी ये गिनाए रहे हैं यहाँ पे भाषण में अपने, तो इस चीज से हम ज्यादा प्रभावित हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो भी लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ लोग लाइव तस्वीरें आपको दिखाई।